सुप्रभात, आज 12 जनवरी 2021 राजमाता जीजाबाई और स्वामी विवेकानंद, यह दो महान व्यक्तियों की जयंती पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजमाता जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के पास निजामशाह के राज्य एक परगाना सिंदखेड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम लखूजी जाधव था, जो कि निजामशाह के दरबार में पंचहजारी सरदार थे। उनकी माता का नाम मायसाबाई था। जीजाबाई को बचपन में जिजाऊ नाम से पुकारा जाता था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, इसलिए जीजाबाई की भी शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी। उनका विवाह शाहजी राजे भोसले के साथ हुआ था। जीजाबाई एक महान देशभक्त थी, जिनके रोम रोम में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित थी। उन्होंने अपने वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को देशभक्ति और स्वाभिमान पूर्ण संस्कार दिए और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बोए, जिनके चल के छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर एक वीर, महान, निर्भीड नेता, राष्ट्रभक्त, कुशल प्रशासक बने। राजमाता जीजाबाई का पूरा जीवन साहस और बलिदान से परिपूर्ण रहा। भारत की वीर माता जीजाबाई ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी हर तरह की कठिनाइयों का हिम्मत से और डटकर सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धैर्य नहीं खोया। हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती रही। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को भी समाज के कल्याण के प्रति समर्पित रहने की सीख दी। जीजाबाई एक बेहद प्रभावशाली और बुद्धिमान महिला थी, जिन्होंने न ही सिर्फ हिंदुस्तान में स्वराज्य की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वराज्य स्थापना की नींव को मजबूती देने में भी विशेष योगदान दिया। जिन्होंने अपने कौशल्य और प्रतिभा के दम पर अपने पुत्र को सूर्यवीर बना दिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। उसके कुछ ही दिनों बाद 17 जून 1674 में राजमाता जीजाबाई इनका कालवश हो गया। उनके बाद शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विस्तार रखा। भारत की ऐसी वीर और महान प्रसविनी राजमाता जीजाबाई को शतशः नमन। धन्यवाद।